नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब विधानसभा के विशेष विंटर सेशन को लेकर है। पंजाब विधानसभा के विशेष दो दिन के इजलास को लेकर जो है चार बिल पेश किए गए, जिसमें विरोधी दलों ने लगातार सवाल उठाए कि ये विंटर सेशन और लंबा होना चाहिए था। इसमें दो दिन का हालांकि ये विंटर सेशन रखा गया, जिसमें चार बिल जो है पेश किए गए, जिसमें जीएसटी शोध बिल के अलावा और अन्य बिल थे, जो कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इन बिलों के साथ पंजाब के खजाने को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसी को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रविंदर सिंह जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रविंदर सिंह जी मैं आपसे करूंगा। जो बिल पेश किए गए हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे दीजिए कि इन बिलों के साथ पंजाब को कितना फायदा मिलेगा और ये बिल अब पास हुए तो उसके बाद गवर्नर के पास जाएंगे, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला कि गवर्नर के पास जाते हैं, लंबा समय वहां पर उड़ीक करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी इस पर अतराज लगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ दूसरा सवाल है कि पंजाब विधानसभा के सेशन के दौरान जो आपके विरोधी दल है उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं कि समा जो है वो और रखना चाहिए था, उसको लंबा कर देना चाहिए था या फिर सेशन के जो टाइमिंग थी वो और ज्यादा लंबी कर दी जानी चाहिए ताकि पंजाब के और जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाए, तो उसको लेकर आपका क्या कहना? जसबीर जी, सबसे पहले तो ये पंजाब की जो विधानसभा के और टाइमिंग की आपने बात की है, विरोधी दल ये बात करे तो ये मतलब कुछ वाजिब बात नहीं है। उसका कारण ये है कि वो लोग जो अपने महलों में से नहीं निकलते थे, जो पंजाब के लोगों की बात नहीं सुनते थे और सेशन बुलाने के लिए भी एक मजबूरन उनको काम करना पड़ता था, अपोजिशन को शोर मचाना पड़ता था और सिर्फ मतलब एक खाना पूर्ति के लिए सेशन बुलाए जाते थे। हमने तो फिर भी इस सेशन से पहले, सर्द ऋतु के सेशन से पहले भी एक सेशन बुलाया और उसके पहले भी बजट सेशन के बाद भी हमने एक दो सेशन बुलाए हैं। तो कांग्रेस तो ये बात कर ही नहीं सकती, बिकॉज उनके तो महाराजा साहब ही नहीं उठते थे। उससे पहले भी ये रिवायत चलती रही है कि जो सेशन का कार्यकाल था वो कम होता रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की वाहिद एक ऐसी सरकार है जिसमें सेशन का और वर्किंग आवर्स हैं जो असेंबली के वो बढ़े हैं। उसका डेटा असेंबली की साइट के ऊपर है, आप वहां से भी उसको कैरी कर सकते हैं। और रही बात बिलों की, सबसे बड़ी जीत मुझे लगता है ये ऐतिहासिक जीत है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई है गवर्नर और बनाम सरकार, पंजाब सरकार, उसमें अकेले आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को फायदा नहीं हुआ, 3-4 स्टेट्स की सरकारों को फायदा हुआ है। बिकॉज उसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत क्लियरली कहा है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर सिलेक्टेड लोग नहीं लगाए जा सकते और जो बिल्स हैं वो टाइम बॉन्ड करने के लिए एक फ्रेम पॉलिसी भी जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। बिकॉज ये पंजाब की का इशू नहीं है, केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, जितने भी और स्टेट्स हैं जहां पर नॉन बीजेपी पॉलिटिशियन हैं या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहां पर यही दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बिलों को रोकिए मत और बिलों जो बिल्स असेंबली पास करती है वो जल्दी से जल्दी आप असेंट अपनी देकर कानून का रूप दे। और इसमें बहुत सारे हमने बिल्स भी हैं माइनिंग के रिगार्डिंग है या और जैसे एक सड़कों वाली बात सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने फायदा लेकर जीएसटी कलेक्शन में जहां बढ़ोतरी की है, वहीं जो सड़कें हैं पंजाब की 500 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का ऐसा गैप निकाला है जो सड़कें एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ जो मैनुअल एस्टीमेट बनता था उस एस्टीमेट में ही बनती थी और जिनका हर साल पैचवर्क भी होता था, जिनकी रिपेयर भी होती थी, नई भी बनाई जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने की है। उसके साथ साथ 550 से 600 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट किया है पीएसपीसीएल ने अपने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। वो एक पंजाबी ट्रिब्यून में था, ट्रिब्यून में खबर भी लगी थी, उसका भी वेरवा सीएम साहब ने साझा किया है हम सब लोगों के साथ। तो ये बड़ी बातें हैं जो हमारी असेंबली सेशन में हुई।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस विधानसभा के विशेष सेशन में जो तमाम बिल पेश किए गए हैं उससे सीधे तौर पर पंजाब के लोगों का फायदा होगा, और साथ ही साथ पंजाब सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जो पहले सेशन थे उन पर जब पंजाब के राज्यपाल ने सवाल उठाया तो उसको भी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। इकबाल सिंह जी, जो बिल पेश किए गए हैं उसको लेकर सरकार बिल्कुल जो है स्पष्ट से ये कह रही है कि इन बिलों के साथ पंजाब के हित में और पंजाब के लोगों का भला होगा, क्योंकि ये जो बिल है वो पंजाब के लिए है और पंजाब की बेहतरी के लिए है, और आने वाले समय में भी इसी तरह के बिल लाए जाएंगे। हालांकि ये बिल पास कर दिए गए हैं लेकिन उसकी मंजूरी के लिए अभी जो है राज्यपाल के पास जाएंगे। इकबाल सिंह जी, देखो जो बात रविंदर जी ने कही है कि पंजाब का फायदा हो, हम इस बात से इनका स्वागत करते हैं कि पंजाब का फायदा करें, पर बात यह है कि जो इन्होंने कहा है उस पर अमल करेंगे कि नहीं। जैसे पिछला जो समय चल रहा है उसमें जो कहते हैं वो करते नहीं है, इस कारण हमें शक रहता है कि ये कह रहे हैं रोड 500 किलोमीटर से ऊपर रोड है जो मिसिंग है नहीं, पर उनका खर्चा सरकार कर रही है, तो इस पे क्या एक्शन लेंगे उन जिन लोगों ने ये एस्टीमेट पास कर पैसे हड़प्पे गबन किया, उन लोगों पे एक्शन होगा या नहीं ये उसके बाद ही पता चलेगा कि या ये क्या क्या करते हैं। दूसरी सेशन के टाइमिंग की बात, सेशन तो सबसे कम सेशन का टाइम इस सरकार ने किया है। आज भी कल सेशन शुरू हुआ, आज खत्म हो गया। अपोजिशन कह रही है 10 दिन का टाइम बढ़ाओ, 1.5 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया, 1.5 दिन में क्या होगा। ये कह रहे हैं हमने विंटर सेशन, मॉनसून का सेशन तो खत्म ही कर दिया, उन्होंने बुलाया ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का ये छरे ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा भैया आपने सेशन को इतना लंबा कर लिया, मॉनसून सेशन कहाँ है आपका। ये तो मजबूरी तो इनकी है, इनको बुलाना पड़ा, नहीं तो ये पहले सेशन को बिना कारण कंटिन्यू कर रहे थे, जबकि होना नहीं चाहिए, जबकि उस सेशन की सारी कार्रवाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसी सेशन को ये चला रहे थे। ये गवर्नर से अपना आंकड़ा चलाने के लिए हमें उनसे मंजूरी ना लेनी पड़े, भी गवर्नर को हम नीचे दिखाता रहे, ये बात थी। बात ये है कि जो सेशन था, यदि ये 8-10 दिन का सेशन होता, इसमें जो पंजाब के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है, नशे का जो हालात है, बेरोजगारी है, जो धरने चल रहे हैं, उन बातों पर चर्चा करते, उनके लिए कानून से भी क्या करना है, कैसे इन चीजों को कैसे ठीक करना है। अपोजिशन के जो लोग थे, तीनों पार्टियों को जो एमएलए थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, अकाली दल के थे, उनसे बैठकर मशवरा करते भी इन चीजों को हम कैसे, जो तो सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं। अपोजिशन वॉकआउट कर गई, बिल पेश कर दिए, पास हो गए, कोई चर्चा नहीं उसपे, कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं, कोई उसमें ये नहीं कहा गया इसमें ये कमी है, ये इसमें खूबी है, सरकार ने तो मना किया, वहां पे बैठते आप बाइकआउट करने की बजाय चर्चा कर लेते, सरकार ने तो मना नहीं किया था, लेकिन पूरी ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। हाँ, मैं बताता हूँ ना, बाइकआउट तो करने पड़ेगा जब टाइम ही नहीं बढ़ा रहे, जब टाइम ही नहीं बढ़ा रहे जब, तो उनको जाना ही पड़ेगा। जब जो बैठे भी होते तो पिछली बार इन्होंने कौन सी सुन ली थी उनकी, बैठे अंदर बैठों की, तब भी जो अपनी मर्जी करते हैं, इनके पास मैंडेट 90-92 MLA का मैंडेट है, तो किसकी सुनवाई नहीं है, पावर है उसकी सुनवाई नहीं है, बैठे भी हो तब भी कुछ नहीं सुन रहा। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा। एक रिएक्शन जो है वो श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ है, उनसे के ले लें। कोनी साहब, क्या कहेंगे इस सेशन को लेकर, आपकी भी शिकायत है क्योंकि ऑपोजिशन लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि समा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सरकार जिन बिलों को लेके आई है वो बिल पंजाब के हित के लिए है। जैसे रविंदर जी ने बताया कि 550 किलोमीटर की ऐसी सड़क थी जो सिर्फ कागजी कार्रवाई में थी, अमल में कभी आई नहीं, तो ऐसे में ये करप्शन भी सामने सरकार ने लेके आए, पंजाब के लोगों का फायदा होगा क्योंकि इस पर भी जब खर्च होता है तो वो पंजाब का ही पैसा है जो इन लोगों पे ऐसे सड़क पर लगता है जो है ही नहीं। तो ऐसे में तमाम जो बिल है, जीएसटी शोध बिल लेके आए हैं और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के शोध बिल है, तो पंजाब के लोगों के लिए है ना, उसमें सवाल किस बात को लेकर है। धन्यवाद जजवीर जी। जी सबसे पहले तो ये है कि आप पिछला ज्यादा दूर नहीं, पिछले अगर 2000 साल के बाद की नई जनरेशन जब से ये नया सीरीज चली है तब से आप बात कर लें, तो तब से लेकर आज तक देख लें तो सबसे कम, ये तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब रिकॉर्ड पे है कि सबसे कम सेशन
कम समय के लिए आप पार्टी ने बुलाया, जो पिछले हालांकि इनों को इनके लिए खर्च भी करना पड़ा पंजाब के खजाने से, फिर भी सिर्फ दो दिन का क्यों? क्योंकि पंजाब के बहुत सारे मुद्दे जैसे पराली का भी, या जो इस टाइम अमन कानून का भी, और वो मुलाजिम लोगों का भी है, और जो SYL का भी, ये सारे मुद्दे एक तरफ, तो सरकार इवेंट रखती है, करोड़ों रुपए लगाती है चर्चा के लिए और कहती है कि आते नहीं है, तो दूसरी तरफ सिर्फ दो दिन में सेशन उठाना, ये एक तो ये वाजिब नहीं है किसी तरह। वहां चर्चा के लिए ही वो सदन, पवित्र सदन बना है, तो वहां वो चर्चा हर चीज की जो पंजाब को मौजूदा समय में भी जो सबसे बड़े मुद्दे है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये पहली बार, उसके लिए समय भी बनाना, ये पता नहीं है इनको, क्योंकि ये खुद लोकतंत्र की और चर्चा की बात, सवाल जवाब करने वाली पार्टी खुद ऐसा क्यों कर रही है, पहली। दूसरी बात ये है कि ये जो हुए, बेशक आप पार्टी के है प्रमुखता में होंगे ये मुद्दे, जो चार मुद्दे चार बिल लाए पंजाब के लिए, पंजाब में तो आप भी देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे पंजाब के लिए, नशे का मुद्दा, पराली का मुद्दा, SYL का मुद्दा, अमन कानून का मुद्दा, ये मुद्दे बड़े थे, उनकी तो कोई बात तक नहीं हुई, और उसमें भी वैसे ये बातें हैं जो बड़े हल्के तरीके से हो रही है, कुछ बिल इस तरह के भी जो पंजाब सरकार के यूरोडक्शन में भी नहीं आते, उनको भी पास किया है, वो सिर्फ अब तक यही है, जैसे ये भी है कि जैसे एक तरफ कह रहे हैं कि हम जी बेरोजगारी खत्म कर देंगे, नौकरियां देंगे, तो दूसरे पर साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे तो नौकरियां उल्टा कम कम होगी, बढ़ेगी कैसे? चलिए ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। रविंदर जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रविंदर जी आपने सुना, आम आदमी पार्टी से इस तौर पर सवाल है, बीजेपी का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, और अब अकाली दल के लिए ये कहते नजर आए कि जिन मुद्दों को लेकर चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए थी, उस पवित्र सदन में होनी चाहिए थी, उनको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। रविंदर जी आप मेरी बात सुन पा रहे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बिल लेके आए कोई एतराज नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि 550 किलोमीटर की ऐसी सड़क जिसके रिपेयरिंग भी होती थी, उसको बिल को भी कागजों में थी, लेकिन क्या उनके दोषियों पर अब कार्रवाई होगी, एक सवाल। दूसरा ये कह रहे कि जिन मुद्दों को लेकर सवाल और चर्चा होनी चाहिए थी, उन पर सरकार ने किसी भी तरह की कोई जो है चर्चा नहीं रखी, इसी के चलते जो है ओपोजिशन ने जो है वाइपआउट किया। रविंदर जी देखिए बात ये है, मैं ना बहुत सारी डिबेट्स में ये बात करता हूँ, ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी दैट द ऑपोजिशन इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट जस्ट टू क्रिटिसाइज इट। कोई एक एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, आप GST के ऊपर बात कीजिए, आप बताइए कि आपने जो GST का वो हमने अमेंडमेंट किया है उसके ऊपर आपको क्या सवाल है, आप उसके ऊपर बात कीजिए। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पंजाब की सड़कों को बेहतर करने के लिए खजाने में जो 500-700 करोड़ रुपया बचाया है, तो आप उसके ऊपर बात कीजिए वो कैसे गलत है। जस्ट ये कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जस्ट ये कि जो अकाली दल बोल रहा है, जो BJP बोल रही है वो सही है, दैट इज नॉट अ गुड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, अगर आपको उस हर आलोचना करनी है, तो आपको कोई वैलिड रीजन देना पड़ेगा, सिर्फ ये कहकर कि हमारी बात नहीं सुनी जी, हमसे ऐसा वतीरा किया गया, हम वॉकआउट करते हैं, दैट इज नॉट द गुड। ऑपोजिशन ऑल्सो यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव, आपका जो आलोचनात्मक रवैया भी होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आपने उस साथ जितने भी बिलों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके अंदर, उस बहस के अंदर, उस उन बिलों के ऊपर आपकी कौन सी ऐसी सजेशन है जिसको सरकार ने नहीं माना, जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, जो वैलिड हो। सिर्फ कोनी जी बोल रहे थे कि
आप ये डेटा निकाल के देख लीजिए, डेटा क्या निकालना है जनाब, आप वैसे ही देख लीजिए, हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं और 1 साल में कम से कम ज्यादा 4 बार हम बैठे हैं। आप लोगों की जब कितने सरकारें थी, आप तो सिर्फ एक समय के लिए बैठे सिर्फ हैं? 6 महीने, चाहे 2 दिन के लिए बैठे हैं, आप लोग तो खाना पूर्ति करते थे। सर, एक एक कर्द रुत का एक एक कर्द रुत का सेशन बुला लिया, एक बजट सेशन बुला लिया, बस जी हो गया काम। सेशन उसके बाद करता है सर, कोई दस दस सेशन। दिन कोई उन जी देखिए, हम किसी खंबे के ऊपर खड़े होकर या गांव के चौराहे पर खड़े होकर बहस नहीं करते, हम एक बहुत ही मुअज्जज टीवी चैनल के पंजाब ऊपर बैठ के के बात कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपको अपना लोग मौका नहीं कहते। मिलेगा, हाँ कृपया मेरी बात में मत बोलिए। मैं ये जो बात कर रहा था कि आप वैसे ही डेटा निकाल के देख लीजिए, 1 साल में 4 4 से ज्यादा सेशन आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, और उसके ऊपर इनके जो गवर्नर हैं बीजेपी और अकाली दल के, जो पपेट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार के ऊपर बैठाए हुए हैं, जिनका काम ही यही है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब सरकार को की लेग पुलिंग करना, उन्हें ले डाउन करना, और काम में किसी ना किसी तरीके से जो अड़चन है वो अड़ाना, चाहे वो बिलों को रोक कर हो, चाहे किसी ना किसी तरीके की चिट्ठियां लिख कर हो, किसी ना किसी रूप में जो पंजाब सरकार के कार्य में बाधा डालने का काम जो गवर्नर, बीजेपी के गवर्नर, अपॉइंटेड गवर्नर कर रहे थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। जो क्रिटिसिज्म जो ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टेट ऑल्सो। चलिए ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब विधानसभा का पवित्र सदन पंजाब के लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे में जब विधानसभा में लोक हित के लिए बिल लाए जाते हैं, सरकार का अधिकार है तो सरकार उस पर काम करती है, लेकिन उस पर सवाल भी है, ऑपोजिशन लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इकबाल सिंह जी, आपने सुना, आपने ये कहा कि सरकार जो है मुद्दों पर लाए, मुद्दों पर चर्चा करे, पंजाब के तमाम मुद्दे थे, लेकिन ऐसे में सरकार ने बिल्कुल तय कर दिया कि लोक हित के लिए अगर आप बात करते हैं या आपके पास कोई प्लान है तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन ऐसे में जब हम बिल पेश कर रहे हैं और बिल लेके आ रहे हैं पंजाब के हित के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के खजाने के लिए, लेकिन उस पर भी आपको आपत्ति है क्योंकि आपके पास वैलिड जो है, साफ तौर पर रविंदर जी का ये कहना है कि वैलिड आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, पुराने मुद्दों को आप जानबूझ के उनको लाते हैं ताकि जो मेन मुद्दे हैं वो सरकार या तो काम कर ना पाए या सरकार के काम काज में सीधे तौर पे आप अड़चन पैदा करना चाहते हैं, ये कहना है रविंदर जी का। देखो, ये पहली बात तो हमने कोई पुराना मुद्दे की बात नहीं की, जो इस वक्त करंट अफेयर्स हैं हम उन पे बात कर रहे हैं, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, जी ये कहाँ पुराने मुद्दे हो गए, हमने इन पे बात की, चलो छोड़ो। अब गवर्नर की बात कर रहे हैं, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को कुछ कहा तो उससे ज्यादा सरकार को भी कहा है, ये अपनी बात भूल जाते हैं भी हमें कितनी फटकार लगी है, ये भी छोड़ो। अभी कह रहे थे जीएसटी, ये सरकार इतनी बचकाना है, इतनी इमेच्योर है कि बिल ले लिया पर उस पर कोई काम नहीं किया है। ये बिल में कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पंजाब के बाहर का व्यक्ति, पंजाब का जो व्यक्ति कोई बाहर जाकर सामान खरीदता है, मतलब कि पंजाब का जो बाशिंदा है वो पंजाब से बाहर कोई सामान खरीदता है तो उसकी टैक्स हम लेंगे। ये इनको ये नहीं पता कि पंजाब ऐसी स्टेट है जिसमें उन उन स्टेट्स में है जिनमें बहुत ज्यादा बाहर के लोग पंजाब में रह रहे हैं, बहुत सी स्टेट यूपी में बाहर के लोग नहीं रह रहे हैं, बिहार में नहीं रह रहे हैं, हमारे पंजाब में बिहार यूपी के लोग आकर लाखों की गिनती में फंसे हुए हैं। तो जो वो खर्च जहां करेंगे, जो परचेज जहां करेंगे, क्या वो दूसरी स्टेट उसका पैसा नहीं मांगेगी फिर? ये क्या 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 इन्होंने सोच के किया है जी? ये मेरे को इस बात का जवाब दे दें, जब हम हमारा आदमी अंबाला से माल खरीदेगा तो हम तो टैक्स मांगेंगे, जब उनका व्यक्ति पंजाब में माल खरीदेगा तो वो टैक्स नहीं मांगेंगे, तो क्या कहोगे आप तो रेवेन्यू का लॉस कर लेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि इससे फायदा नहीं मेरे को होगा, जवाब दे दें इस ट्रांसपेरेंसी बात नहीं का। आएगी? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इसमें सीधा कोई फायदा नहीं मिलेगा पंजाब स्टेट को? इसका नुकसान होगा, देखो हमारे पंजाब में जे भी कम से कम 50 लाख के करीब बाहर के लोग रहते हैं पंजाब में, जो वो परचेज करेंगे, जब हम मांगेंगे टैक्स, हमारा जो आदमी अंबाला जा दिल्ली से माल खरीदता है हम उसका टैक्स की डिमांड करेंगे, तो जो बिहार यूपी वो डिमांड नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बिल पास किया है, ये जो सेंट्रल जीएसटी है उसमें कोई क्लाज ऐसी है कि
हम ये डिमांड कर सकें, इसकी कोई स्टडी की है उन्होंने? ये कोई क्लाज है तो मेरे को बता दें भी, हमने इस क्लाज के अधीन हमने ये बिल पास किया है, जीएसटी रूल्स में ये क्लाज है उसके अंडर हमने ये पास किया है, ये बता दें मेरे को। दोनों बातों में ये चलिए सरकार घेरे में आती है। चलिए ठीक है, सरकार ने कब मना किया? सरकार तो चाहती है कि ओपोजिशन जो है सीधे तौर पे उनको सलाह दें या उनसे बातचीत नहीं, करें, सलाह वो तो तो लेते नहीं। सरकार तो तैयार है एक जी। मिनट जसवीर जी, एक मिनट, सलाह देखिए तो मुझे लेते ही नहीं नहीं है। पता आज इकबाल तक जी हम कहाँ से पढ़ कितने कर आते सरकारें हैं बनी है, और कहाँ जब कोई से प्रॉब्लम पढ़ाई कर आती कर आते थी हैं तो सब पार्टी मीटिंग बुलाते थे, सभी सभी जी। सरकारों ने बुलाई है, किसी भी पार्टी की हो। ये पहली सरकार है जो कहती है हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। भगवान तमाम जी सीधा बोलते हैं, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद होना होगा कि पिछली विधानसभा सेशन में खैरा ने कोई जब बात की तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला, इसका इसका जवाब दूंगा मैं, इसका कोई जवाब नहीं दूंगा मैं। ये तो इनका भाषा है। ये चलिए वो ठीक है एमएलए को बोलते ठीक हम है इसका ठीक है जवाब ही ठीक है, नहीं इकबाल जी देंगे। चलिए ठीक है ठीक है, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी का रुख करूंगा। कोहनी साहब, जैसे अभी आपने देखा कि बाल सिंह जी ने ये सवाल खड़ा किया कि जीएसटी शोध बिल लेके आए हैं, इसके इससे फायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा। आप भी क्या समझते हैं, जो बाकी के बिल लेके आए हैं क्या आप उससे इत्तफाक रखते हैं? क्योंकि सरकार ने बड़ा सोच समझ के इस बिल को लेके आए हैं, ऐसे में रजिस्ट्रेशन शोध बिल है और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के जो है उस पर भी जो है बिल लेके आए गए, तो आपको नहीं लगता इससे फायदा मिलेगा? सरकार ने अपना काम किया तो सरकार सीधे तौर पर यह कहती है कि आपके पास अगर वैलिड कोई पॉइंट है तो आप उस पर चर्चा कीजिए, हमने मना नहीं किया, आप अपना सुझाव दे सकते हैं हमें। पहली बात तो ये है कि पुराने किसी मुद्दे की मैंने बात ही नहीं की। भाई साहब कह रहे थे कि ये पुराने मुद्दे उठा के ये सार्थक विरोध नहीं करते हैं, ये कह रहे। पर मैंने इसी जो पंजाब में इस टाइम जो मुद्दे है पंजाब के, जैसे कोई भी है कर लो, सैंड का, नशे का, उन उन सब की बात की है मैंने कि उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके लिए टाइम क्यों नहीं रखा, ये दूसरी बात। ये कहते हैं कि अकाली दल जा दो, हम तो कहीं कभी लोगों से भागे नहीं भाई साहब, उल्टा हमारी हमारे सीएम को देख के आप लोगों ने भी जनता दरबार शुरू किया था जो एक दिन में फ्लॉप हो गया। हम तो लोगों में ही जाते रहे, हमें ना चर्चा से भागे, आप मिलने गए थे, आपके लीडर ही बोल रहे थे, अब थोड़े दिन पहले वीडियो आई थी कि हम गए थे, हमें जाते वो बाहर आकर कहते कि बताओ क्या बात है। वो सीएम आज वाले नहीं है कि लोगों को मिलने के लिए डंडे खाने पड़े, पहली बात। दूसरी मैं इस पे की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने से क्या नौकरियों, जो सरकार एक तरफ कहती है कि हम नौकरियां पैदा कर रहे हैं तो वो उसका नुकसान नहीं होगा? मैंने इनसे पूछा, उनका कोई इन्होंने वो भी इनके जो जे लाए बिल उसके साथ ही था। तीसरा, इकबाल सिंह जी जो कह रहे हैं ना, आपने शायद समझा नहीं, जो मेरी समझ में आया वो ऐसा है, वो कह रहे हैं कि ये यूनिक नंबर देंगे एक बिल के दिन, जो 03 आदमी जी दूसरे कहीं भी जाकर है वो बिल के वो जो नंबर होगा उस नंबर के थ्रू शॉपिंग करेगा, उसका जड़ा जो भी टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट उसे ले सकती है, हम लेंगे, ऐसा कुछ मेरे जो समझ में आए। तो ठीक ये है कहते हैं कि जो प्रवासी पंजाब में रहते हैं ज्यादा ये कह रहे हैं कि पंजाब में रहते हैं लोग, वो अगर अपनी स्टेट के ऐसा वो भी कर लेंगे, वो अपनी स्टेट के यूनिक नंबर से जहां जो भी खरीदेंगे तो फिर वो मांगेंगे। दूसरा जो लग रहा है मेरे को ये नहीं कि वो जो जीएसटी काउंसिल बनी है बकायदा, जहां जिसमें स्टेट के सारे वो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनके मेंबर है जो, ठीक जी है, तो ये उनके सामने भी जो इन्होंने प्रस्ताव कोई रखा होगा कि हमारा ये नहीं है ठीक है ये करना, बिल लाने से पहले उसकी भी जानकारी देनी चाहिए ना इन्हें भी, क्या वहां से क्या मिला तो हम क्यों नहीं कर पाए, वो अब क्यों करना पड़ा, ठीक ये है, बात है। चलिए इसकी जानकारी ये इसकी सत्ताधारी जानकारी ये पार्टी लेते हैं बता हम लोग। सकते हैं। ठीक है, आपने वैलिड सवाल उठाए, उसके जवाब भी ले ले। रविंदर जी हमारे साथ हैं, रविंदर जी आपने सवाल सुना,
अकाली दल का भी सुना और आपने बीजेपी का भी सुना, वो कहते हैं कि जीएसटी शोध बिल से अगर इसी तरह से कोड लगाकर पंजाब के बाहर अगर कोई पंजाब का व्यक्ति, पंजाब का बाशिंदा अगर परचेजिंग करता है, रिफंड अगर जीएसटी का आता है, तो ऐसे में जो बाहर के बाशिंदे भी यहाँ पंजाब में आते हैं, तो इससे सीधे तौर पर उनका कहना है कि कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने और सवाल खड़े किए कि सेशन में जिन मुद्दों को जसवीर लेकर चर्चा होनी थी वो उन जी मुद्दों पर दरअसल बात नहीं की सरकार ने, उसको लेकर हकीम नाराज वो हुए। एक कहावत है ना जसवीर जी, वो एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। तो जिन्होंने बीजेपी का चश्मा लगा रखा है ना, उनको सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही दिखता है। आपको शायद याद नहीं है, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर सरदार हरपाल सिंह चीमा जी की अगुवाई में एक मुहिम चलाई गई थी, बिल वाली मुहिम, कि आप अपने बिल की कॉपी स्कैन कर हमारी ऐप पे डालिए और उससे हम गिफ्ट वाउचर्स जो हैं वो लोगों में वितरित करेंगे। उसका परिपेक्ष ये था, उसका उद्देश्य ये था कि लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी बिल की डिमांड करें अपने वेंडर से। उससे होगा क्या, जब आप अपने वेंडर से बिल जब जनरेट करवाएंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, हम बहुत सारी परचेजिंग ऐसे करते हैं जो हम कैश में देते हैं या ऑनलाइन भी हाँ ट्रांजेक्शन बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही लेकिन है, वो बिल लेकिन देते हम ही बिल नहीं लेते हैं। उसका उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा बिल्स की डिमांड की जाए, ताकि उस बिल के एबल में जो जीएसटी है उसको ट्रैक किया जा सके। उस सारी एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था। और जो बाहर वाली भी बात हम कर रहे हैं, उसका भी ये है कि जब हम यहां से बाहर जाके कोई चीज खरीदते हैं तो जीएसटी तो पे कर रहे हैं ना। अगर एक कोई बंदा आईटीआर पंजाब में भर रहा है और जीएसटी वहां पे भर रहा है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी है। तो ये सारी मुझे नहीं समझ आता इकबाल जी किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं और या इनका थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन उस सारी एक्सरसाइज के पीछे जो मकसद ये था कि जो पंजाब में लोग परचेज कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को, वो अपने हार्ड कॉपी बिल को क्लेम करें, और वो क्लेम करके जब सरकार की साइट पे चढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा जो जीएसटी का रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जा सके, उस सभी सारी एक्सरसाइज के पीछे। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि सावन के अंधे को तो हर एक चीज हरी हरी दिखती है, और इसी तरीके से जो ऑपोजिशन वाले हमारे दोस्त हैं, अगर सरकार कुछ अच्छा काम भी करती है तो उनको सारा कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही दिखता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनको पता है कि ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी की सरकार का इफेक्ट है। ग्राउंड पे बिजली जो फ्री की गई है उसका बहुत इफेक्ट है। ग्राउंड पे जो बसेस का किराया फ्री चल रहा है उसका बहुत इफेक्ट है। ग्राउंड के ऊपर जो 1-1 हजार रुपया हम महीने का हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में डालने जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। और इस वजह से जो राजनीतिक जमीन है ऑपोजिशन पार्टीज की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भगवंत मान जी और केजरीवाल जी ने बैनिश कर दिया है बीजेपी अकाली दल को पंजाब की राजनीति में से। यही कारण है कि वो टीवी चैनल आकर बिल्कुल ही वाहियात सी चीजों के ऊपर जो अपने क्वेश्चंस हैं वो रेज करते हैं, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो यही कारण है, और मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत मान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम कर रही है और आने वाले समय में इससे भी बढ़िया काम। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई इकबाल सिंह जी का, मैं करूंगा। इकबाल जी आपने सुना, वो कहते हैं ऑपोजिशन के पास जमीन ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार जो कर रही है उससे ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऑपोजिशन के ऊपर कोई भी ऐसे, क्योंकि आपने जैसे अभी आपने बताया जीएसटी शोध बिल से कोई फायदा नहीं होगा, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और सीधे तौर पर फायदा पंजाब के लोगों को मिलेगा, हम चोरी रोकने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, ये कहना है अरविंदर जी का। देखो बात ऐसी है, पहले मैं जो लफ्ज गिरे हुए लफ्ज बरते हैं इन्होंने यूज किए हैं, अंधे बकवास या भाई, वाहियात, ऐसे लफ्ज तो मैंने कभी बोले ना मैं यहाँ बोलूंगा, खासकर ऐसी डिबेट में तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा लफ्ज हम जुबान से निकालें बिल्कुल जो किसी बिल्कुल, सम्मान के साथ साथ सभ्य की समाज डिबेट में नहीं करें। बोलना चाहिए, तो मैं बिल्कुल, मैं तो आपकी नहीं बात से ऐसे सहमत हूँ। बोलूंगा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी जवाब बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मैंने जो जवाब बात की है ये इसको घुमाकर बिल अपलोड पे ले गए, वो तो स्कीम पहले चल रही है, इसके बिल से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो इन्होंने मेरे को जवाब दिया है उसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है, वो स्कीम अलग चल रही है, वो स्कीम है भी कस्टमर जो परचेज करता है वो दुकानदार से बिल लेके इनके ऐप पे अपलोड करे उसको इनाम मिलेगा, जे उसको चेक करेंगे, वो एक स्कीम अलग है, उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया।
मैंने बात किया जो आज इन्होंने बिल जीएसटी बिल शोध बिल पास किया है, मैंने उसकी बात की है। मैंने ये कहा है कि जब आप दूसरे स्टेट के में हम परचेज करेंगे तो हम दूसरी स्टेट से उस टैक्स की डिमांड करेंगे, तो दूसरी जो वो स्टेट है उनके लोग हमारी पंजाब में परचेज करेंगे तो वो नहीं मांगेंगे, उसका तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने आपको पहले भी कहा था ये ट्रैक को एक तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो सवाल इनसे किया जाए उसका जवाब नहीं देते हैं, और ही बातें बोलकर, अच्छा बुरा बोलकर, अंधे बोलकर, वाहियत बोलकर ये निकल जाते हैं, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो ये मैं कह रहा हूं इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, जो जो इन्होंने जवाब दिया वो जो स्कीम चल रही है उसका जवाब दिया है। अभी मैं कहता हूं मेरे को इतनी बात का जवाब दे दे, यही बहुत है। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब दे दे वो बहुत है, लेकिन ऐसे में बात इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो आपने सवाल खड़े किए हैं क्या उसके जवाब मिलेंगे, क्योंकि रविंदर जी हमारे साथ में उनका संपर्क टूट गया है। तो हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता, हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। कोनी जी आपने सुना, सीधे तौर पर जो है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के ये कहते नजर आए कि ऑपोजिशन खत्म हो चुकी है, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से हम पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उससे ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। लेकिन ऐसे में अब जब हम बिल लेके आए हैं पंजाब की बेहतरी के लिए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। आप आदमी के बुलारे ने वो ही जो इनकी पार्टी की नीति है, उनकी पार्टी की नीति है बिना मतलब के मुद्दे उठाओ, उस पे घटिया हल्के दर्जे की बोली बोलो। मुझे बोल रहे थे कि हम कहीं खंबे पे नहीं बैठे, हम टीवी पे बैठे हैं, जब मैंने उनकी बात जी का आगे से उनसे सवाल किया। बट जी अब ऐसी बोली बोलने के लिए अब खंबे पे चले गए हम। कल आपने विधानसभा में भी देखा है कैसे बोलते हैं, ये तो जहां तक बोल बिल्कुल गए। कोई रिश्ता करना है, चन्नी को बोला था, सबका सीएम को, नन्ही श्याम को, ये इनका तरीका है। एक भी बात का ना, तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लाने से नौकरियां कम होगी कि नहीं होगी, कुछ कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर वो जो कहते थे कि ये जी 2 बार सेशन बुलाते, वो सेशन 10 10 दिन का होता था, आपने 2 दिन में उनका कोई कोई नहीं, ऐसे नहीं जी ये ऐसा करते हैं पुराने वैसा। दूसरी बात, ये वही बात है, एक वो जैसे ना चूहे को हल्दी की गंठी मिल गई तो वो पंसारी सा, एक बार इनको मिल गया मात तो दूसरों को बोल बोल के पंडी प्रचार करके, तो उसको ही ये ऐसे समझने लगे कि अब जैसे सदा के लिए हम ही हैं। हालांकि इनका उनके थोड़े समय बाद ही संगरूर चोन और बाद में जलंधर चोन में भी आदमी कैंडिडेट तो दूसरी पार्टी से लाना पड़ा इन्हें, पता इनको खुद है। बट ये ऐसे ही मुद्दे उठा के बेमतलब के, जो पंजाब के है सैंड माफिया का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक इनको जड़े लगा चुकी है, ईडी की, जब जो ईडी की जमीन ईडी ने जो अटैच की चलिए है उस ठीक है, पे मैनिंग हो रही, वैसी चलिए ठीक है, जो ओपोजिशन अपराधी ओपोजिशन का का बिल्कुल ठीक मुद्दा, है, ठीक है एक कोनी भी साहब आपकी उसकी बात आ बात गई। नहीं ओपोजिशन की। का ये कहना है कि हमारे सवालों के जवाब जो है वो पंजाब सरकार नहीं देती है, तो ऐसे में आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि जो पंजाब विधानसभा का विशेष विंटर सेशन बुलाया गया है, जिसमें 4 बिलों को पास किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि ऑपोजिशन ये बात कहती नजर आई कि विंटर सेशन को और लंबा करना चाहिए था, उसमें समा बढ़ाना चाहिए था, ताकि पंजाब के उन मुद्दों पर चर्चा हो जिन मुद्दों को लेकर आज पंजाब को बहुत जरूरत है उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने इन बिलों को पास किया, उसके साथ साथ पंजाब सरकार का ये कहना है कि पास किए गए इन बिलों के साथ में सीधे तौर पर पंजाब के खजाने को फायदा मिलेगा, पंजाब के लोगों को फायदा मिलेगा, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने ये बिल लेके आए हैं। और समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है, कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।